अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अभी हम लोग आए हैं फूड प्लाजा के, यहाँ हमको थोड़ा काम है वहाँ पे, और उसके बाद हम जाएंगे गेटवे। और वहाँ पर जो अभी रिसेंटली फंक्शन हुआ था G20 समिट का, तो उसका जो डेकोरेशंस एंड ऑल है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हाँ, तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आई एम श्योर आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगेगा, इसको पूरा एंड तक ज़रूर देखना। पापा के बैक का हैंडल टूट गया, उसको ठीक करने आए हम लोग। ये हाँ यही इसका ही यही टूटा है ना, ख़राब हुआ है इसको। होंगे तो पापा का बैग होने गया है रिपेयर, हो जाएगा रिपेयर है ना, वो मैं ले लूँगी फिर कल हो जाएगा, कल तक हो जाएगा हैंडल। तू कितना बैग लेगी? नहीं नहीं मैं ले लूँगी। नहीं मैं सारी डेकोरेशन जो है वो G20 समिट के लिए की गई थी। मुझे तो एक्चुअली इतना पता नहीं है, लेकिन मैंने गूगल किया है तो मुझे पता चला ये एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक वेलफेयर इवेंट है। आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हो कि व्हाट इज G20। इवेंट्स तो खत्म हो चुके हैं, पर मैं आपको इसमें सारे डेकोरेशन दिखाऊंगी जो अभी तक है। ये देखो इसे पॉट्स लगाए हुए हैं यहाँ पे, पहले से इतने ही थे बिकॉज ऑफ दिस समिट, यहाँ पे सारे पॉट्स लगाए हुए हैं। सारे पॉट्स कहाँ तक लगे हुए पूरा। और ये है हमारा अरेबियन सी, रेडियो क्लब में कुछ फंक्शन चालू है वहाँ पे। इसको भी पेंट किया हुआ है पूरा, ये पूरा ब्लैक कंक्रीट था पूरा, इसको पेंट किया हुआ है। देखो फॉरेन डेलीगेट्स के लिए कितनी मेहनत। हाँ कितने अच्छे से पूरा पेंट किया हुआ है। अभी हम लोग आ गए स्टॉप पे, स्टॉप हम लोग रुके अभी। गर्म है ये पिलर, ये गर्म है। ये है ताज होटल, चाय वाले अंकल। हम लोग उस दिन साइकिलिंग के लिए आए थे ना, तो यहाँ पे शूटिंग चल रही थी है ना उसका। ये पूरा नहीं, ये पूरा ब्लॉक था, खाली एक ही साइड पे ओपन था, बाकी एक साइड पूरा ब्लॉक था। तो हम लोग तो निकल गए, लेकिन रिटर्न के टाइम पे पूरा ब्लॉक हो गया था। तो हम लोग मुस्कान निकल गए, मैं फुटपाथ से वॉक कर। मुस्कान बेल खाई। ये है आगे हमारे ताज होटल। नहीं हमारा नहीं, हमारा हमारा बोल रही मैं। हमारा नहीं है, कुलावा का प्रॉपर्टी है, तो कुलावा में हम लोग रहते हैं ना, तो वह ना हमारा प्रॉपर्टी भी ऐसा मत। कोई तो सेलिब्रिटी आया पर कौन आया वो पता नहीं चल रहा है। हाँ वहाँ पे कुछ तो फंक्शन चालू है। उधर जाना
चलो चलते हैं वहाँ पे। सब है ना ये इधर पे सब आंटी लोग सब बेचने के लिए। आज नफीसा पाई बकबक करने वाली है सब, याद आ गया उसको सारे उसके यार चाइल्डहुड मेमोरीज याद आ गए सब नफीसा पा को। सब वो आंटी लोग बैठते थे सामान वो प्लास्टिक की बंगड़ी वो भी खिलौने, अरे वो ऐसे हाथ से वो भवरे भवरे जैसा रहता था ना यो यो, और यो यो तो कितना कलेक्ट किए थे हम लोग ने पूछो मत। रेड ग्रीन सब अलग अलग कलर्स के आते थे यहाँ पे ना, और पापा बहुत चिल्लाते थे हम लोग। ठंडा कोल्ड ड्रिंक चाय ग्लास वाले, ग्लास वाले किसमें बॉटल में आता था, सूखा भेल वाला अंकल ही घूमते थे। हाँ और ग्लास वाले इसमें आता था, बॉटल में आता था कोल्ड ड्रिंक, बहुत अच्छा सब मेमोरी ज्यादा यही सब बैठे थे। बस इतना ही ओपन होता था ये है ना, यहाँ से यहाँ तक ही रोड होती थी, बाकी सब गार्डन होता था यहाँ पे। अभी को कुलाबा से या फिर वो टाइम में लोग आए होंगे यहाँ पे तो उनको पता है, अभी की जेनरेशन को तो कुछ पता ही नहीं है कि यहाँ पे क्या था कैसे था। ये एक हैलोजन लगाया हुआ है यहाँ पे, बहुत गर्म हो रहा है पर इससे। यहाँ पे हम लोग को जगह खाली मिल गया, अभी हम लोग यहाँ बैठेंगे। ये इतना ग्रीन ग्रीन क्या दिख रहा है, ये लाइट की वजह से ऐसे दिख रहा है? नहीं वो पानी का कलर है, बिना पानी आपको भी डर लग रहा है कि मैं फोन गिरा दूंगी। वीडियो खींच रही थी, लोग मेरे को उधर छोड़ के अकेले यहाँ पे आ गए। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे? एक और कोने एक्सप्लोर करने के लिए गया था। तो हम लोग आ गए हैं कॉजवे, अभी हम लोग जा रहे हैं। हाँ कौन मिल पता नहीं स्टॉल है या नहीं है, बंद हो गया, पर अगर स्टॉल होगा तो हम लोग कौन खाएंगे, बहुत दिन हो गया खाए नहीं है यार। मेरे अरमानों पर पानी फिर गया, स्टॉल ही नहीं है कौन का। हाँ मेरे को भूख लग रही है आपा। हाँ एक फैंटा और कुछ है यहाँ, क्रीम आइसक्रीम नहीं है, फैंटा दे दो। हाँ फैंटा दे दो खाली, आइसक्रीम भी खत्म हो गया, कॉर्न भी नहीं है, कुछ भी नहीं। देखो मेरे को मार लग गई, वो अभी यहाँ पे हुआ ना डालने के तो पूरा ये हो गया, तो उसका मेरे को सब रिस्ट पूरा ये हो गया, ट्विस्ट हो गया पूरा रिस्ट। कुछ नहीं मिला ना, कॉर्न मिला और ये भी कोक मिला, फेंटा वेंटा सब खत्म हो गया। पता नहीं आज क्या हो गया मैकडोनल्ड को, ये देखो इन लोग को ये किस तरह से पी रहे हैं का प्यार। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, और आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, और आप लोगों ने जो संडे स्पेशल व्लॉग था मेरा चिकन तारी का उसको आपने इतना सारा प्यार दिया, उसके लिए जज़ाकअल्लाह खैर। तो मैं अपना व्लॉग यही एंड करती हूँ, अगर आपको आज का मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें। टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी, अल्लाह हाफिज़।